हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और मुझे एक जगह जाना है, तो अभी मैं जहाँ जाऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी कि मैं कहाँ गई, और देखते रहिए फिर आगे के ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी आज बैंक अपने किसी काम से, सुरक्षा कारणों से मैंने वहाँ का कोई शूट नहीं किया। उसके बाद हम लोग आ गए चिल्ला चौराहे पे। ये बांदा का चिल्ला चौराहा है, और मेरे पति की बाइक कुछ गड़बड़ कर रही थी, ब्रेक्स थोड़े कम लग रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी बनवाने मिस्त्री के यहाँ आ गए थे कुछ देर के लिए। तो वही मैंने अपना कैमरा निकाल के थोड़ा बहुत यहाँ से शूट किया। ये बांदा का चिल्ला चौराहा है, बहुत ही बिजी चौराहा रहता है ये, काफ़ी यहाँ पे रश रहता है, भीड़ रहती है काफ़ी। तो हस्बैंड मेरे गाड़ी बनवा रहे थे, और ये देखिए, ये मैं यहाँ शूट कर रही थी। फिर उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे भी शूट करो मुझे भी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए घर की तरफ। तो घर पे निकलते वक्त ये देखिए, चिल्ला चौराहे पर ये पढ़ता है सेंट जोसेफ स्कूल। ये देख लीजिए, सेंट जॉर्ज, हाँ ये सेंट जॉर्ज स्कूल है, और इसी के ठीक सामने इस गली में पड़ता है बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये फिर हम सीधे निकले यहाँ से, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो चुका था यहाँ का। तो मैं अपना बस वीडियो बनाते हुए यहाँ से चल पड़ी। मैं बाइक में बैठे बैठे अपना वीडियो बना रही थी। ये देखिए, ये चिल्ला चौराहा से निकलने के बाद ये पड़ती है आवास विकास कॉलोनी। जो लोग बांदा से हैं उनको तो सब पता ही होगा, ये आवास विकास कॉलोनी का व्यू है। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, सब तरह की दुकानें, हर चीज़ मिल जाती है, फल सब्जियाँ मिठाई और किराना जनरल, सब दुकानें यहाँ पे मिल जाती हैं। और फिर ये आवास विकास वाली रोड से थोड़ा और आगे बढ़ने पर महाराणा प्रताप चौक पड़ता है। तो अभी मैं आपको महाराणा प्रताप चौक भी दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सी जगह है ये। अभी ये महाराणा प्रताप की नई मूर्ति लगी है, बांदा के लोगों को तो पता ही होगा। ये अभी नई मूर्ति, पहले पुरानी मूर्ति टूट गई थी, तो ये नई मूर्ति यहाँ महाराणा प्रताप की काफ़ी बड़ी सी लगी है। ये देखिए, ये महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, और इसी के ठीक सामने सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आई लव बांदा लिखा हुआ है, और कुछ मैसेज अच्छे अच्छे से लिखे हुए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह से। और ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है, बहुत सुंदर बना हुआ है ये आई लव बांदा, बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये सब मेरे घर के बहुत ही पास है, कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सब पड़ता है। ये सब मेडिकल शॉप्स हैं, क्योंकि अब आगे जिला अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल, तो ये सारी ज़्यादातर मेडिकल स्टोर ही हैं। और ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है, ये हॉस्पिटल का ही है, जिला अस्पताल बांदा। बस यहाँ से हम आगे बढ़े। इसी तरह मैं अपना मोबाइल ऑन किए थी, तो ये सब फोटोज़ पिक्चर्स सब। और उसके बाद फिर हम आ गए जूस की दुकान पे। गर्मी बहुत लग रही थी, एकदम धूप थी, थोड़ी थोड़ी छाया भी थी, गर्मी बहुत लग रही थी। तो फिर हम आए यहाँ पे, जूस पिया, उसके बाद हम आ गए घर। और फिर घर आने के बाद लग रहा था जैसे पानी बरस जाएगा, बादल से हो रखे थे,
अब देखिए 2 बज गए और हम घर आ चुके हैं, लेकिन अभी कभी धूप कभी छांव और बादल भी गरज रहे हैं, तो अभी लग रहा है जैसे बारिश होगी। और मैं ये कह ही रही थी कि थोड़ी देर बाद पानी बहुत तेज बरसने भी लगा, लगभग ये 2:45 बजे से पानी भी बरसने लगा। ये देखिए काफ़ी तेज पानी बरस रहा है, ये बहुत तेज पानी बरसा, फिर वो लग ही रहा था बरसेगा पानी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी आज, पानी बरसने के बाद गर्मी में कुछ राहत मिली। ये देखिए तो अभी शाम के 6 बजे का समय है, पापा मम्मी छज्जे पे बैठे हवा ले रहे हैं, क्योंकि आज लाइट, जब से पानी बरसना स्टार्ट हुआ तब से 3 बजे लाइट चली गई थी, तब से लाइट नहीं है, तो वही ठंडी ठंडी हवा थोड़ी चल रही थी, तो छज्जे में बैठ के लोग आनंद ले रहे हैं हवा का, वहीं बातें भी हो रही हैं। तो